जैसा आप जानते कि अभी रेलवे की क्लास करेंगे हम लोग ठीक है जो रेलवे ग्रुप डी और एल पी के एग्जाम का एस सी एफ एल से पार्ट करने वाले हम लोग फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था ठीक है आज उसी पे आगे बढ़ाएंगे थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे अब एक चीज़ आप लगा लीजिए कि भाई एस सी एफ एल सी एम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस सी एफ एल सी एम में यूज़ होता है वो कहीं भी यूज़ हो सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट देखो पिछले क्लास में एक चीज़ ध्यान रखना जितने भी लोग थे जैसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप में से पहले ये बता दीजिए कि आप सब लोग कितने लोगों ने फर्स्ट पार्ट एस सी एफ एलसीएम की पहली वीडियो देखी थी पहले एक बार कमेंट बता दीजिए कि कितने लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखी हुई है और अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना हालांकि आज से उसका कोई ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा डिपेंड नहीं करता आज वाले पार्ट पे बट हाँ दोनों पार्ट बहुत जरूरी है ठीक है दोस्तों सो एस सी एफ और एल्सीयम का कॉन्सेप्ट इट्स नॉट फॉर लाइक ओनली इन एस सी एफ एंड एलसीएम ये कहीं भी कभी भी किसी भी मैं के कॉन्सेप्ट में यूज हो सकता है दोस्तों ठीक है ना चलिए मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं बस मुझे इतना बता दो ठीक है ध्यान से देखना कि सिक्स टू एट जीरो ध्यान से देखना इस टू थ्री सेवन थ्री सेवन सिक्स एट इनका रेशियो बताओ रेशियो बताओ इन दोनों का रेशियो बताओ ठीक है सिक्स टू एट जीरो थ्री सेवन सिक्स एट इनका रेशियो बताओ ओ ठीक है ठीक है थ्री सेवन सिक्स एट चलो कोई बात नहीं आपने नहीं देखी इट्स ओके okay. ठीक है कोई बात नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों आपने अगर नहीं देखी वीडियो डजेंट मैटर मैं आपसे एक बच्चों वाला क्वेश्चन देख रहा हूं ठीक है ठीक है मैं एक बच्चों वाला क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आपको मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों का रेशियो निकाल दो किसी को नहीं दिख रहा है तो भी दिखा देता हूँ मैं दोबारा लिख देता हूँ मैं कहता हूँ कि सिर्फ रेशियो निकालना है सिक्स टू एट ज़ीरो और थ्री सेवन सिक्स एट का चलो मैं सिर्फ रेशियो निकालने को बोल रहा हूँ फाइंड द रेशियो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि फाइंड द रेशियो ठीक है ये बोल रहा हूँ मैं आपसे कि रेशियो निकालिए ठीक <coughs> हाँ, बिल्कुल ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई कोई टेंशन नहीं है वी डेफिनेटली रिपीट ईच एंड एवरी थिंग एंड यू गो सी द क्वेश्चन सो क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस करेंगे चलिए निकालिए आपको क्या करना है आपको इन दोनों का रेशियो इतना टुच्चा क्वेश्चन है दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन एंड यू नीड टू रिवॉर्ड यू नीड टू जस्ट फाइंड द रेशियो अभिजीत हाँ प्रिया भाटी बोल रही है सेवन एटी फाइव फोर सेवेंटी वन ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन में नहीं है ये सेवन एटी फाइव फोर सेवेंटी वन मतलब इससे भी छोटा करना है आपको ठीक है उमेश का नाइन एज टू फाइव आया गोपाल का एट इज टू फाइव आया देखो मजे की बात पता क्या है कैलकुलेटर भी नहीं चल पाएगा इसमें ठीक है एट टू फाइव आ रहा है चलिए अब देखो इतना बड़ा सा नंबर है अब इसका रेशियो आपको निकालना है तो सबसे पहली बात है कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं हम देखते हैं कि भाई किससे कटेगा ये तो अगर हम देखते हैं कि लास्ट थ्री डिजिट आठ से कटती है यहाँ पे। अगर मैं कहूँ कि आ, एट जो ट्वेंटी फोर चार से भी कटेगा आठ से भी कटेगा तो सबसे पहले तो एट से डिवाइड कर दो एट से डिवाइड कर दो तो एट सेवन ज फिफ्टी सिक्स अब सिक्सटी एट हो गया एट एट जहाँ सिक्सटी फोर अब फोर जीरो एट फाइव फोर्टी यहां तक तो सभी कर ही को पता है और सब लोग कर पाएंगे अब यहाँ की बात करते हैं एट टू, सिक्स एट जैसा कि बहुत सारे लोगों ने 785, निकाल दिया है सबने निकाल दिया है अब आगे मैं कह रहा हूँ ऑप्शन में कुछ और चीजें भी हैं तो अब इसको और आगे कैसे सॉल्व करोगे ये बात आप देखना अब इनका एस निकाला जा सकता है या तो आंसर यही होगा या तो इनका एस निकाल देते हैं तो जरा हम इनका एस निकालें तो मैंने बताया था मिनिमम डिफरेंस मेथड एक चीज़ का नोटिस कर लेना इसको हम फटाफट -भड़ करेंगे अगर मैं 785 को 471 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आएगा 4 आएगा एट सेवन कितना हो गया 1 हो गया 314 आता है ठीक थ्री वन फोर आता है अगर मैं सेवन एट फाइव को फोर सेवन वन से सब करता करता हूं अच्छा, तो क्या थ्री वन फोर इसको डिवाइड करता है या थ्री डिवाइड करता है एक चीज का ध्यान रखना कि ये कौन सा नंबर है इवन नंबर है ठीक है ये इवन नंबर है और ये दोनों ऑड नंबर है तो जाहिर सी बात है कि ये तो इसको डिवाइड नहीं कर सकता ये कंप्लीट ट्रूथ है सच बात है कि 314 इसको डिवाइड नहीं करेगा 314 इसको डिवाइड नहीं करेगा तो अब अगला स्टेप क्या होगा अगला स्टेप यहां देखो 157 फिफ्टी सेवन इंटू टू जाहिर सी बात है टू इवन नंबर है टू तो डिवाइड नहीं कर सकता टू का खात्मा कर दो अब बचा कितना वन बच्चों एक चीज नोट कर लो कि 157 इसको डिवाइड करेगा तो करेगा तो 157 ही करेगा नहीं तो कुछ नहीं करेगा मतलब 157 is the number which this and this both. तो अब क्या करना पड़ेगा देखिए 157 से इससे डिवाइड करें अब इतना तो हमें पता है कि ये 5 जा फाइव क्योंकि यहां पांच है तो यहां भी फाइव जा होना चाहिए क्योंकि फाइव सेवन जो थर्टी फाइव होता है तो अगर मैं इसको पूरा डिवाइड करता हूं तो यहां कितना जाता है फाइव क्योंकि पांच सौ एट फाइव एटी फाइव बिल्कुल सही होवन एटी फाइव बन जाता है अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो थ्री इजे पे आता है तो डेढ़ सौ इंटू तीन चार सौ और ट्वेंटी वन साढ़े चार सौ प्लस ट्वेंटी वन फाइव इज टू थ्री दैट इज़ द आंसर गाइज फाइव इज टू थ्री दैट इज द आंसर आप लोग <coughs> देखिए बच्चों आप लोग क्या करेंगे कि जब भी कभी कभी ऐसे रेशियोज कुछ ऐसा आता है तो वहाँ पर भी क्या यूज़ होता है वहाँ पे यूज़ होता है एच सी एफ का कॉन्सेप्ट ठीक है एच सी एफ का कॉन्सेप्ट अब बच्चे बोल रहे हैं शॉर्ट ट्रिक इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक क्या लोगे भाई इसको इससे डिवाइड करने का नंबर तो ढूंढना पड़ेगा ना अब जादू थोड़ी ना है ये देख के मार दोगे और इतना शॉर्ट ट्रिक मतलब जो शॉर्ट ट्रिक मतलब जो लॉजिकल शॉर्ट ट्रिक हो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग ठीक है ना चलिए कितना आएगा फाइव इस टू थ्री ठीक है चलिए बिल्कुल सही है फाइव इस टू थ्री क्या करना है हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा डिफरेंस देख के डिवाइड करना पड़ेगा एक चीज़ और देखिए ठीक है <coughs> हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंक जी ऑप्शन भी मिलेगा अभी थोड़ी देर और वेट करें डायरेक्ट जब क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो ऑप्शन भी जरूर दिया जाएगा अच्छा अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं कि दो नंबर का एस अगर मैं कहूं कि दो नंबर का एस अगर मैं कह देता हूं थर्टीन है या ट्वेंटी एट है एस सी एफ दो नंबर का इस 28 है तो एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी हाईएस्ट कॉमन होगा उनके बीच वो 28 है ठीक है <clears throat> 28 है तो मैं कहता हूं कि पहला नंबर कितना हो गया ट्वेंटी ए मान लेता हूं मैं फर्स्ट नंबर ठीक है एक लॉजिक है बताने की बताने का वो ध्यान से आप समझने का कोशिश करेंगे सेकेंड नंबर में मान लेता हूं ट्वेंटी बी है अच्छा एस सी एफ मतलब हाइएस्ट कॉमन ये दोनों कॉमन होंगे और ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होगा तो ए और बी क्या होंगे को प्राइम नंबर्स होंगे एक बार आप बताइए मुझे आप सबके सब, सब लोग बताइए कि को प्राइम नंबर क्या होता है आप सब लोग टाइप कीजिए और जिनको नहीं पता कि को प्राइम क्या होता है मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो जैसे थर्टीन और फोर को प्राइम है सेवन एट नाइन क्या है को प्राइम है अगर मैं कहूँ फोर्टीन और 8 की बात करूँ तो ये को प्राइम नहीं है फोर्टीन और एट को प्राइम क्यों नहीं है क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है दो कॉमन है मतलब क्या नहीं होना चाहिए कॉमन नहीं होना चाहिए देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन नंबर बिटवीन ए एंड बी बिकॉज एस इज व्हाट 28, 28 इज़ द मेन नंबर व्हिच इज़ कॉमन इज द हाईएस्ट नंबर मतलब इसके अलावा कुछ को कॉमन नहीं होना चाहिए ए बी में ये ध्यान देना इसका हम लोग एग्जाम्पल और करेंगे इस पर अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे ठीक है ठीक है बिल्कुल सही बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया बात है आप लोग सभी को पता है देखिए थोड़ा सा अगर किसी को दिक्कत हो रही तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखना बच्चों वैसे जब क्वेश्चन शुरू होगा तो डेफिनेटली आप कर ले जाओगे ठीक है चलिए तो क्वेश्चन करेंगे आज हम बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करेंगे ताकि देख देख के हम उसका आंसर बताएं और बहुत होश में रहना मैं थोड़े से ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो उन बच्चों को आता सबको है पर गलत करते जरूर हैं तो इसलिए ध्यान देना ठीक है चलिए बच्चों तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन द स्क्रीन ठीक है इसको तो देख के भैया खा जाओ ये कितने सेकंड का काम है एक सेकंड का कितने सेकंड का एक सेकंड का निपटा दो इसको ठीक है जस्ट सी इट एंड यू डू इट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन द स्क्रीन गाइस कम ऑन चलिए फर्स्ट नंबर अब देखिए हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ ये भी देख लीजिए कि दो नंबर का एस सी एफ आठ है इनमें से कौन उनका एल सी एम नहीं हो सकता है चलिए फटाफट आंसर आना शुरू हुआ रविंदर मून मंडल ये तो भाई खा उड़ा दो यार देखिए संजय जी संजय मालवीय हिंदी में नहीं है स्लाइड में आपको बता देता हूं मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा मैं कह रहा हूँ कह रहा हूँ दो नंबर का एस सी एफ कितना है आठ इनमें से कौन सा ऑप्शन उनका एलसीएम पूरी लाइफ नहीं हो सकता कभी जिंदगी में नहीं हो सकता एलसीएम कौन नहीं हो सकता अब देखिए कुछ लोग बता रहे फोर्टी एट थर्टी टू साठ के आपने कितनी हद कर दी साठ सिक्सटी ऑप्शन ई एंड यस गाइस ऑप्शन ई इज़ द आंसर अब देखो ना बच्चों एल कितना है ऑप्शन दिया हुआ है एस कितना है आठ मस्त बात तो ये है कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एस है वो तो दोनों नंबर में होता है तो एल में तो पक्का होगा डेफिनेटली होगा क्योंकि दोनों नंबर में होता ही है वो तो आठ तो सब में होना चाहिए अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ट्वेंटी फोर में है फोर्टी एट में है थर्टी टू में है सिक्सटी फोर में है कहाँ नहीं है सिक्सटी में नहीं है मतलब सिक्सटी आठ को डिवाइड नहीं कर पाता है यानी आठ सिक्सटी को डिवाइड नहीं कर पाता है यानी कैन नेवर बी एल सी एम बिल्कुल सही सिक्सटी इज द आंसर बिल्कुल सही दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे देख के उड़ा दिया करो देखो सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पर दिमाग ज्यादा लगेगा होश में रहना सेकेंड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन गाइज कम ऑन चलिए अब ये क्वेश्चन पढ़ लो ये तुम्हें जैसा लग रहा होगा कोई जो है पैराग्राफ पैसेज जैसा लग रहा होगा बट दिस इज़ वेरी 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 इजी क्वेश्चन ठीक है ध्यान से देखें आप लोग क्या है ये मैं आपको रिपीट करता हूँ हिंदी में देखता हूँ <coughs> पप्पू जी शायद पाँच ऑप्शन नहीं होते हैं बट आप देख लीजिए चार पाँच हमने ऐसे किए थोड़ा सा घुमाने के लिए किया हुआ है ताकि दिमाग ज़्यादा यूज हो इन अ कॉल सेंटर एट न्यू दिल्ली देखिए न्यू दिल्ली से एक कॉल सेंटर था ये पता गया कि हर दस मिनट पे कॉल आती है पेरिस से 12 मिनट पे आती है मॉन्ट्रियल से और 20 मिनट पे आती है टोक्यो से मैं लिख देता हूं पेरिस से आती है 10 मिनट पे कॉल क्वेश्चन सभी लोग देखें समझें आराम से आंसर बताइएगा ठीक है और मॉन्ट्रियल से कितने मिनट पे आती है भाई 12 मिनट पे 12 मिनट अगला क्या दिया हुआ है टोक्यो यानी जापान से आती है कॉल 25 मिनट्स पर और अगली जो कॉल है मतलब वो लंदन से आती है आ, एक ट्वेंटी मिनट्स है ये ट्वेंटी मिनट्स है और लंदन से जो आती है वो ट्वेंटी फाइव मिनट्स पे आती है बोलते हैं सुबह पहली बार ठीक है आंसर आंसर बताइए कि रविंद्र वशिष्ठ दस सभी ने दस बनाना शुरू कर दिया टेन एम मैंने कहा कि होश में रहें ठीक है बहुत अच्छे से समझें ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कहते कि पहली कॉल पाँच बजे सुबह आती है फाइव इन द मॉर्निंग एक साथ तो अगली कॉल एक साथ कितने बजे आएगी दिस इज द क्वेश्चन ठीक है सो so, ये टेन मिनट है ये ट्वेल्व मिनट है ये ट्वेंटी मिनट है ये ट्वेंटी फाइव मिनट अब अगला काम हमें क्या करना है देखो अगर हम सबको यही डाउट रहता है कि कौन से क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं कौन से क्वेश्चन में एस निकालते हैं अब जाहिर सी बात है देखो ऐसा तो है नहीं कि कॉल पहले आ जाएगी छोटा नंबर तो इनसे होगा नहीं बड़ा नंबर ही होगा इतना हमारा माइंड काम करता है जब इनसे बड़ा नंबर होगा तो क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा तो 10, 12, 20 का एलसीएम निकालना पड़ेगा अब एलसीएम निकालना भी अपने आप अप में मुश्किल काम है तो बच्चों एक बात देखो यार 10 और 20 का तो एलसीएम पता है ना 20 होता है तो एलसीएम हमें अब ट्वेंटी का लेना है ट्वेंटी का लेना है ट्वेल्व का लेना है ट्वेंटी का लेना है अब हमें पता है कि 20 और 25 का भी एल्सियम दिमाग में ही निकाल सकते हैं हम लोग इनका एल्सियम कितना होता है हंड्रेड तो देखते जाओ खाली खाली ये माइंड में करना है जैसे मैं कह रहा हूँ माइंड में करना है ये हंड्रेड हो गया अच्छा ये ट्वेल्व बचा अब हंड्रेड और ट्वेल्व का लेना है अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करेंगे जैसे अगर मुझे कोई बोलेगा मैं देख के 300 बोल दूंगा मतलब 10 सेकेंड बाद 10 सेकेंड से भी कम टाइम में तो जैसे आप जब सोचना तो ये 100 है और ये 12 है 100 का मतलब 100 है और 12 का मतलब 3 इंटू फोर है तो 4 तो है यहाँ पे किसकी कमी है तीन की तो 300 हो जाएगा अब देखो मैंने क्या किया मैंने ट्वेल्व को तोड़ा थ्री इंटू में पिछले क्लास में जैसे सी एफ एल सी में जो पिछली क्लास थी उसमें सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर आप 12 को 3 इंटू फोर में तोड़ते हो मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा आप उसको टू इन टू में क्यों नहीं तोड़ते हो तो जरा आप मुझे सभी लोग बताइए जरा सभी के सभी जिन्होंने जो है थोड़ा बहुत जिनको पता है कि ट्वेल्व को मैं थ्री इन टू में ब्रेक करता हूं मैं टू इन टू में क्यों नहीं ब्रेक करता हूं? आप सब बताइए इस बात को कि मैं थ्री इंटू फोर में करता हूं तो टू इंटू सिक्स में क्यों नहीं करता <coughs> मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि टू और सिक्स क्या है इनमें कॉमन है ये को प्राइम नहीं है या जो भी आप रिलेटिव प्राइम है कुछ भी बोलते हो आप लोग ये क्या है कॉमन है इनमें इसलिए हम ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हम ऐसे ब्रेक करते हैं थ्री इंटू फोर में ध्यान देना आप लोग ठीक है तो आप क्या करना पड़ेगा तीन सौ हो गया अच्छा तीन सौ का मतलब कितना होता है फाइव आवर्स और बहुत सारे लोग इवन मैं देख रहा हूं फिफ्टी सिक्सटी लोगों ने आंसर जो दिया है वो टेन ए दिया है तो ठीक है उनका आंसर लेकिन ऑप्शन के हिसाब से गलत हो गया पाँच बजे सुबह पहले घंटी बजी सबकी कॉल आई तो अगली पांच घंटे बाद आएगी दस बजे और अगली जो पांच घंटे बाद आएगी तीन बजे और अगर आप देखोगे ऑप्शन में टेन ए एम भी है और थ्री पी एम भी है तो सब क्या करेंगे टेन ए एम भी है थ्री पी एम भी है तो ऑप्शन डी होगा इसीलिए मैं कह रहा था कि चीजों को बहुत ध्यान से देखा करो ठीक है ना क्या होना देखा करो ऑप्शन क्या आएगा डी आएगा एंड डी इज द आंसर तो जितने लोगों ने ए बोला है आई थिंक आप सबको पता चल गया है कि गलती कहाँ है ठीक है सो so, ठीक है पांच घंटा आ गया अब पांच बजे से जोड़ लो दस बजे तक तीन बजे तक काम खत्म ठीक है चलिए बिल्कुल सही अभी रियलाइज हो गया होगा आप लोग की कि गलती क्या है देखो जब पहली बार ये क्वेश्चन करेगा करेगा कोई एग्जाम में करेगा तो जोश में उसको क्या दिखेगा जब उसको पाँच घंटा आ जाएगा ना तो दस बजे लगा के आ जाएगा वापस और ये आप नहीं बड़े बड़े शातिर खिलाड़ी करते हैं तो ध्यान रखना चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री नहीं अनिल साजी कोई लेट नहीं है सभी टाइम से ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री देखें चलिए संजय जी हमने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट डाला हुआ है और हम ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड पार्ट भी लाएंगे ठीक है डोंट दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए मैं एक बार समझा देता हूँ हिंदी में कि तीन डिफरेंट कंटेनर हैं 496 लीटर का देखो ऐसा कंटेनर है भाई ये 496 लीटर का है ये अगला वाला जो कंटेनर है वो है 403 लीटर का और अगला वाला जो कंटेनर है वो 713 लीटर का है सेवन वन थ्री लीटर का है अब हमें क्या करना है अब हमें यह बताना है कि कितना कौन सा ऐसा हाइएस्ट मेजरमेंट होगा जो इन तीनों को मेजर कर सके दिस इज द क्वेश्चन ठीक है ना कौन सा हाईएस्ट होगा जो इन तीनों को मेजर कर सके अब देखो नन ऑफ दीज है तो थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन ध्यान देना कि हमें क्या पता है मिनिमम डिफरेंस हमें क्या निकालना है मिनिमम डिफरेंस इनका मिनिमम डिफरेंस कितना आएगा 93 अब 93 का पहाड़ा तो हमको आता नहीं है इतने तो हम एक्सपर्ट नहीं है कि 93 से डिवाइड करके देख लें तो हम क्या कर लेते हैं इसको ब्रेक कर लेते हैं 31 वन इंटू क्या थ्री से ये कटता है इसके डिजिट्स को ऐड करके देखोगे नाइन फोर थर्टीन प्लस सिक्स नाइनटीन ये तो नहीं कटता थ्री से तो यानी एस जो होगा वो थर्टी वन होगा या नहीं होगा नहीं तो वन होगा या तो थर्टी वन होगा या तो वन होगा तो हम क्या करने वाले हैं कि थर्टी वन से इसको डिवाइड करें अगर इनका डिफरेंस मतलब इनका डिफरेंस है एक कट गया तो दूसरा भी कटेगा ठीक है तो थर्टी वन से डिवाइड करके अगर हम देखते हैं टेबल में तो बिल्कुल अगर ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं होता तो हंड्रेड परसेंट थर्टी वन होता बट हाँ थोड़ा डाउट है लेकिन डिवाइड करके देखोगे तो थर्टी वन से कटेगा सबके सब कटेंगे इसलिए आंसर क्या होगा थर्टी वन होगा यूज क्या करना है आपको मिनिमम डिफरेंस ठीक है यस थर्टी वन इज द आंसर ठीक है चलिए अब आते अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन अब इसमें क्या करना है चलो ऑप्शन ई e की जगह मैं पांच देता हूं यहां पे ऑप्शन मैं लिख देता हूं जो भी दिया हुआ है सब ठीक है ऑप्शन ई e जो है वो फाइव है वो हमने गलती से नन ऑफ दीज लिख दिया बट वो फाइव है तो क्या लगता है आंसर बता सकते हैं क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर बताइए पहाड़ा टेबल ठीक है हाँ मैं बोलता हूं क्वेश्चन हिंदी में एक ट्रेडर था उसके पास तीन टाइप के ऑयल थे ठीक है ऑयल कितने कैसे कैसे रखे हुए एक तो डब्बे में रखा उसने ट्वेंटी फाइव लीटर दूसरे डब्बे में रखा हुआ है उसने फिफ्टी फाइव लीटर और तीसरे डब्बे में रखा हुआ है वन ट्वेंटी फाइव लीटर चलिए ठीक है ऑप्शन फाइव भी है ट्वेंटी फाइव ओके आंसर आना शुरू हुआ है कि फ़ाइव होना चाहिए ट्वेंटी फाइव चलो ट्वेंटी फाइव बोल दिया तो बोलेंगे ट्वेंटी फाइव आना चाहिए <clears throat> हाँ विश्रुति का बढ़िया क्वेश्चन था कह रही कि नाइन्टी थ्री क्यों लिया मिनिमम डिफरेंस निकालना था इसलिए लिया ठीक है पुरानी वीडियो देखो हम्म फाइव बता रहे हैं सभी लोग देखो ऐसे तुक्केबाजी की हद हो गई अब मैं बोल देता कि अगर ट्वेंटी फाइव है तो थोड़ी देर में ट्वेंटी फाइव बोलने लग जाएंगे बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले ठीक है ट्रैप मत हो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ठीक है चलिए वाओ दिस फील्स गुड है ना ठीक है आप चलिए ठीक है मैं बताता हूँ ध्यान से देखो देखो बच्चों क्या है ना कि बोलते कि अब ये बड़े बड़े डब्बे उसके पास रखे हुए थे वो चाहिए कि कम से कम कम से कम फुल कास्क चाहिए इक्वल साइज का अब उसको क्या क्या है ये मिल्क है ऑयल है अब उसको छोटे छोटे डब्बों में बेचना है उसको ठीक है बट उसको बराबर डब्बे चाहिए बट मिनिमम नंबर चाहिए मिनिमम डब्बे चाहिए डब्बे मतलब कह सकते कास्ट के चाहिए ठीक है अब मिनिमम कास्ट के लिए क्या करना पड़ेगा छोटे छोटे डब्बे लेने हैं उसको अब छोटे छोटे डब्बे लेने हैं मिनिमम होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए तो मतलब इसका क्या होना चाहिए एस और बराबर साइज भी होनी चाहिए मतलब ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे इसको भी डिवाइड कर दे इसको भी डिवाइड कर, कर दे तो इन तीनों का एस कितना होगा ठीक है चलिए मान लेते हैं एस कितना होगा इन तीनों का जाहिर सी बात है देख के पता चल रहा है कि एस सी पाँच होगा जैसे मैंने लिखा था कि पाँच अगर होता तो आप बोलते पाँच है तो फाइव होता है एस अच्छा पच्चीस लीटर ऑयल था और ये पाँच लीटर का डब्बा है तो कितने डब्बे लगेंगे ट्वेंटी फ़ाइव अपॉन फाइव यहाँ पे पांच बॉक्स लगे इसके लिए कितने डब्बे लगेंगे फिफ्टी फाइव अपॉन फाइव इलेवन बॉक्स लगेंगे और इसके लिए कितने डब्बे लगेंगे वन ट्वेंटी फ़ाइव बाई फाइव तो कितने बॉक्स लगेंगे ट्वेंटी फाइव बॉक्स लगेंगे अब इनको अगर ऐड एड कर देंगे तो ट्वेंटी फाइव फाइव थर्टी प्लस इलेवन फोर्टी वन तो कितना आंसर आएगा फोर्टी वन बॉक्सेस चलो अच्छा एक बात बताओ यार मैं कह रहा हूं कि लिस्ट में मिनिमम में फोर्टी वन बॉक्स हो गया अगर मैं कहूँ मैक्सिमम कितने बॉक्स हो सकते हैं मैक्सिमम कितने बॉक्स हो सकते हैं तब क्या बोलोगे अगर आंसर है तो बताओ फिर मैं करेक्ट करूंगा मिनिमम बॉक्स बॉक्स फोर्टी वन सो इफ दे आस्क व्हाट इज द नंबर ऑफ द मैक्सिमम बॉक्सेस देन व्हाट विल बी द आंसर टेल मी राइट सो दिस इज दिस वॉज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन तो भैया थोड़ा ध्यान से समझा करो उसको ठीक है <coughs> चलिए तो अभी बात सबको समझ आ गया बिल्कुल सही अच्छा है अच्छा है देखो बात को समझो ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया करो ठीक है मैक्सिमम का आंसर बताइए चलिए हाँ अभिषेक का आंसर आना शुरू हुआ है एलसीएम नहीं हैरी जी ले ही नहीं सकते एलसीएम ठीक है मैक्सिमम निकाल ही नहीं पाओगे देखो कैसे नहीं निकाल पाओगे इतू सा बॉक्स ले लो इतना सा बॉक्स और एक एक पोलियो ड्रॉप देखा ना एक एक बूंद भरते जाओ उससे भी छोटा ले लो एक एक इत्तु -इत्तु सा भरते जाओ कितने बॉक्स लग जाएंगे गिन नहीं पाओगे समझ गए ना तीन चार दिन लग जाएगा तीन चार साल लग जाएगा बट काउंट नहीं कर पाओगे तो आंसर क्या आएगा यू कैन नॉट डिटरमाइन सो ऑप्शन होगा डी ठीक है ना चलिए <coughs> ठीक है बिल्कुल सही वी कैन नॉट बी इत इतू सा ले लिया ना सब में इतना छोटा छोटा सा ले लिया अब क्या बताओ तुमको ठीक है बिल्कुल कैन नॉट बी डिटरमाइन चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चलिए फिफ्थ पांचवा अगला क्वेश्चन ये बहुत माइंड वाला क्वेश्चन है मैं इसके लिए आपको देता हूं एक मिनट ठीक है एक मिनट ज्यादा हो जाएगा चलो ठीक है तीस सेकेंड देता हूं कमॉन तीस सेकेंड लॉजिक इसके पीछे वही कि छोटे छोटे बॉक्स रखोगे तो भाई कितना नंबर इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा आप आप खुद ही सोचो ना ठीक है चलिए बताइए वीडियो ठीक लग रही थोड़ा लाइक करते भी चलो और इसको शेयर वेयर भी करो ठीक है आंसर आना शुरू हुआ अब देखो कितने पेर इसने पूछा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट है 2028 और उनका एस है 13 तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे अब आपको यह बताना है तो ध्यान से देखो जरा मैं आपको एक बात बताता हूँ अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एस सी है ना तो बिना किसी टेंशन के फर्स्ट नंबर हमने मान लिया थर्टीन ए और सेकेंड नंबर हमने मान लिया थर्टीन बी ठीक हमें यह दो चीज पता चल गई थर्टीन ए और थर्टीन बी अब क्या करना है कि इनका प्रोडक्ट कितना है टू जीरो टू एट तो आप जरा देख लो थर्टीन ए थर्टीन बी और आप लोग बताते चलो कि ए और बी में क्या रिश्ता है सबके सब ये बात बताएं कि ए और बी को देख के आप क्या डिसाइड कर सकते हैं अब ये टू जीरो टू एट है बताएं जरूर फटाफट फट, मैं आई चेक दैट तो ए बी कितना हो जाएगा टू जीरो टू एट अपॉन थर्टीन इन थर्टीन अब अगर हम यहाँ पे देखें तो थर्टीन वन जहाँ थर्टीन सेवनटी टू थर्टीन फाइव जो सिक्सटी फाइव और 78 एट थर्टीन सिक्स जो एट अब थर्टीन से फिर काट दें थर्टीन वन जा टू जा ट्वेल्व तो ए बी कितना आ गया ट्वेल्व मुझे पता है आप बता चुके होंगे कि ए बी में क्या रिश्ता है ए बी में क्या रिश्ता होगा बिल्कुल सही ए और बी क्या होंगे को प्राइम होंगे तो हो क्या क्या सकता है दुनिया में ऐसे कितने नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे ट्वेल्व आता है तो सबसे पहली जो कहानी होगी वो होगा वन इंटू ट्वेल्व यानी एक पेयर बना दूसरा होगा टू इंटू सिक्स दो पेयर बना तीसरा होगा थ्री इंटू फोर तीन पेयर बना चौथा कोई पेयर बनेगा नहीं तो बच्चों ये वाला नहीं ले सकते टू इंटू सिक्स नहीं हो सकता टू इंटू सिक्स क्यों नहीं हो सकता क्योंकि टू इन टू सिक्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनके बीच टू कॉमन है जबकि जो मैंने लिखा नहीं था मैं चाह रहा था आप खुद ही बताएं वो क्या है कि ए बी क्या है को प्राइम है ठीक है आप पता करें आप बताएं क्लास में सोचा करें कि दैट यू आर इन क्लास इट्स लाइव क्लास बट नीट टू कमेंट फॉर द क्लास कि भाई आपको क्या समझ आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा है सो so, जो आपको बोला जाए कि बताओ तो यू नीट टू टाइप दैट ठीक है आप क्लास में होते तो चिल्लवा देता हूँ मैं बच्चों को यू नीड टू जस्ट लाइक टाइप द थिंग्स कि हाँ भाई ए बी क्या है को प्राइम है तो को प्राइम है ये तो हो नहीं सकता तो ये दोनों आंसर हैं। यानी कितने पेयर बनेंगे टू पेयर बनेंगे आंसर विल वॉट ऑप्शन बी दैट इज वॉट टू पेयर ठीक है बिल्कुल सही <coughs> बिल्कुल सही ट्वेल्व इंटू वन थ्री इंटू फोर बिल्कुल सही दोस्तों यही आपका आंसर है टू पेयर बनेंगे देख करके बताया जा सकता है चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑन द स्क्रीन फास्ट कर दे हम लोग अब ये बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन क्या है द लीस्ट नंबर छोटे से छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है और 16 20 और, 20 है। है? 15, uh, 16, 20 और 24 से डिविजिबल है ठीक है 15, 16, 20 और 24 से डिविजिबल है चलिए बच्चों विनोद जी को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच कॉमन नहीं होता कुछ ठीक है इसका आंसर बताइए, सिक्स नंबर लीस्ट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर छोटा सा छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है और सोलह बीस और चौबीस को काट देता है ठीक है मतलब कटता है ठीक है आंसर आना शुरू हुआ है ठीक है आंसर आना शुरू हुआ है फॉर्मूला इसमें कुछ है ही नहीं तो फार्मूला बताएं क्या ठीक है सोलह बीस और चौबीस से डिविजिबल होना चाहिए अब देखो एलसीएम निकालते कैसे आता सबको है तो जल्दी कैसे निकालते हैं ये देखो सोलह बीस और चौबीस अभी हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा बात समझना फिर मैं इसका शॉर्टकट डिस्कस करूंगा आपसे देखो इतना तो पता है कि सोलह और चौबीस का एलसीएम कितना होता है सिक्सटीन और ट्वेंटी फोर अगर हमसे कोई पूछे कि सिक्सटीन और ट्वेंटी फोर का एल्सियम तो हमें पता है कि फोर्टी एट हो गया अच्छा फोर्टी एट में फोर होता है क्या नहीं होता पाँच नहीं होता मतलब हमें क्या देखना है कि इन दोनों का तो फोर्टी एट हो जाएगा और बीस में फोर्टी एट में क्या ट्वेंटी का मतलब कितना होता है फोर इंटू फाइव जो कहते दिमाग में करना है हमें तो फोर्टी एट इंटू क्या करना पड़ेगा फाइव करना पड़ेगा कितना हो जाएगा फोर्टी एट इंटू फाइव टू फोर्टी अब हम इसको मल्टीप्लाई करें चाहें तो कि भाई टू फोर्टी आ गया नहीं तो यहीं पे तोड़ दें ये तुम्हारा एलसीएम है फोर्टी इंटू फाइव अब हमें क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर वो भी क्या मिनिमम बोला लीस्ट लिखा हुआ है वहाँ पे। तो एक बात बताओ यार मैं जो लिखता हूं तुम बताना मुझे सिक्सटीन इंटू थ्री इंटू फाइव अच्छा ये तो अपना परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है मतलब देखो ना पेयर बनाता है ये और हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर में पेयर बनना चाहिए मतलब इसकी जिंदगी सेट है कमी किसको है इसको इसके एक चाहिए क्या चाहिए थ्री चाहिए तो थ्री ले आते हैं एक और थ्री ले आते हैं बन गया पेयर मिनिमम किस लिए ऐसा कर रहे हैं नहीं तो कुछ भी कर सकते थे तुम तो अगर मिनिमम ना पूछता ना तो इसको डबल डबल कर देते ठीक है मिनिमम पूछा इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है और यहाँ भी क्या फाइव इंटू फाइव इसको भी एक पाँच चाहिए था एक्स्ट्रा लेकर आए अभी कितना हो गया पच्चीस और पच्चीस इंटू यहाँ कितना बना सोलह तो हमें पता है ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स कितना होता है 400 और 400 9 कितना होता है 3600 दैट्स योर आंसर 3600 ये आपका आंसर है ठीक है 3600 बिल्कुल सही दोस्तों 3600 इज द आंसर ठीक 3600 आपका आंसर आएगा ठीक है यही आंसर होगा ठीक है चलिए देखिए चीजों को समझना है देखो बच्चों बात यही है कि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे आपके लिए अच्छा होगा हाँ अभिषेक मुखर्जी थ्री कहां से देखो ये थ्री अकेला था ना अब इसको, इसको स्क्वायर बनाना है तो इसके लिए एक थ्री चाहिए ना तो थ्री ले आओ इसके लिए एक ये पांच अकेला था इसके लिए भी क्या चाहिए एक पांच चाहिए तो कहीं से ले आते हैं उठा के ले आते ठीक है ऑप्शन से भी होगा देखिए ऑप्शन से भी होगा अभी आगे क्वेश्चंस में दूंगा तो उसमें ऑप्शन लगेगा नहीं आपका ठीक है हाँ डायरेक्टली डिवाइड भी कर लेते यार उसमें बड़ा पड़ता डायरेक्टली डिवाइड क्यों करें जब हमें सब कुछ नजर आ रहा है तो बड़ा करके डिवाइड क्यों करें हम लोग ठीक है ठीक है बड़ा करके डिवाइड क्यों करें जब चीज़ हमें सारी दिख रही है तो नो नीड टू डिवाइड चलिए अगला क्वेश्चन देखते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझो आप लोग लिखा होगी फाइंड द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई सेवेंटी टू एटी एंड एटी एट लिव्स द रिमाइंडर फिफ्टी टू सिक्सटी एंड सिक्सटी एट ठीक है अब क्या होगा देखिए अनुरा विश्रुति जी ऑप्शन से हो जाएगा लेकिन अगर अभी मैं आगे क्वेश्चन दूंगा, जिसमें ऑप्शन नहीं दिया होगा तो दोनों चीज़ें आपको देख के करनी है हैं अगर आपको लगता है कर सकते तो जरूर करें अब देखो 72, टू एटी और एटी एट से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना बचेगा रिमाइंडर जो बच रहा है वो कितना बच रहा है फिफ्टी टू सिक्सटी और 68 एक चीज़ तो पक्की है वो क्या पक्की है कि इनका डिफरेंस देखो रिमेंडर्स का कितना आ रहा है अगर आप देखोगे तो रिमाइंडर का डिफरेंस कितना आ रहा है ट्वेंटी तो 20 आ रहा है इसको डिवाइड करने पे देखो ना सबका 20 आ रहा है यानी जो रिमाइंडर है वो हम मान लेते हैं दैट इज माइनस ट्वेंटी ये रिमाइंडर थोड़ा में भी डिस्कस करा हुआ है प्लस आपको पता भी होगा कि डिफरेंस आ रहा है ट्वेंटी अगला जो काम है और वो जो मुश्किल है वो है इनका एलसीएम निकालना ध्यान से देखो इनका एलसीएम निकालना दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब सेवेंटी टू एटी एटी एट इनका एलसीएम निकालना मुश्किल काम है ठीक है अब जरा आप देख लो यार कि एक बात तो पता है हमें कि एट तो सब में है हम देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आठ तो सब में है सेवेंटी टू एटी एटी एट एट सब में है अब क्या करना है आठ तो आएगा आएगा एलसीएम में अच्छा यहां क्या बचा नाइन अब एक में ब्रेकेट में लिख देता हूँ नाइन यहां क्या बचा टेन और यहाँ क्या बचा एलेवन और सबसे अच्छी बात क्या है कि इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है यानी सीधा सा आंसर निकाल देंगे हम लोग एट इंटू नाइन इंटू टेन इंटू एलेवन अब हमें क्या करना है अब हमें क्या कि भाई नाइन एट जर सेवनटी टू टू इंटू कर देंगे देखिए तो नाइन एट सेवनटी टू सेवनटी टू इंटू ये कितना हो जाएगा सेवन नाइन टू जीरो राइट सेवन नाइन टू जीरो यहां तक ये आ गया ठीक है आप दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लें आठ नौ बहत्तर बहत्तर सात सौ बीस को इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे सेवन नाइन टू जीरो आ जाएगा अब सेवन नाइन टू जीरो आया पर रिमाइंडर कितना आया माइनस ट्वेंटी तो हमें क्या करना पड़ेगा इस रिमाइंडर को सब कर देंगे तो कितना आ जाएगा सेवेंटी नाइन हंड्रेड एंड ये आपका आंसर होगा और आंसर कौन सा होगा ऑप्शन बी इज द आंसर गुंजन जी बता बोल रही कि डिफरेंस क्यों निकाला देखो यहाँ पे क्या था रिमाइंडर अलग अलग था अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो हम ये क्वेश्चन कर नहीं पाते तो नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं हम अगर डिफरेंस देखेंगे नेगेटिव रिमाइंडर बनेगा तो जरूर नेगेटिव रिमाइंडर ले सकते हैं हम लोग इसलिए डिफरेंस निकाला अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो आंसर नहीं होता मतलब माइनस बी सब रिमाइंडर है इसलिए हम डिफरेंस निकाल रहे हैं हाँ बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं टू का फोर टाइम्स होगा टू का फोर टाइम्स हमने इसमें से आठ निकाल लिया बाकी नौ ग्यारह बचा जहां हमें को प्राइम मिला हमारी आंखों में दिल बन जाना चाहिए ताकि हमें क्या करना करना है है सीधा मल्टीप्लाई जहां भी को दिखा वी डेफिनेटली गोना सॉल्व इट सेवन नाइन टू जीरो थोड़ा सा शेयर वेयर करो लाइक वाइक करो पसंद आ रहा हो तो और भी टफ क्वेश्चंस कर सकते हो तो अगर ये बेसिक बनेगा तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे चलिए क्वेश्चन नंबर एट हमारे स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर एट थोड़ा सा आप लोगों की डिमांड थी कि सेकेंड पार्ट ले जाए इसलिए हम लेकर आए क्वेश्चन नंबर एट का आंसर बताइए टू जीरो से माइनस ट्वेंटी घटाएंगे माइनस ट्वेंटी है हाँ रिटी जी अगर डिफरेंस अलग होगा तो नहीं हो पाएगा ऐसा क्वेश्चन फिर नहीं आएगा ठीक है ऑप्शन निकालते निकालते अंधेरा हो जाएगा ऑप्शन से नहीं कर पाओगे ठीक है क्वेश्चन <clears> नंबर <throat> ये एक टाइप से कहा जाए कि क्वेश्चन नंबर एट जो है वो एक टाइप से टफ क्वेश्चन है बच्चों अब हमें क्या करना है कि तीन आदमी हैं एक सर्कल के अराउंड चलते हैं 11 किलोमीटर में उनकी जो स्पीड्स है वो क्या है फोर किलोमीटर पर आर फाइव पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आर और 8 किलोमीटर पर आर रेस्पेक्टिवली तब मुलाकात होगी उनकी स्टार्टिंग पॉइंट पे वहाँ लिखा हुआ है ध्यान से देखो स्टार्टिंग पॉइंट पर तो राउंड का पूरा चक्कर निकालना पड़ेगा मतलब हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा टाइम का तो पहले वाले को कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड दूसरे वाले को कितना टाइम लगेगा इलेवन अपॉन और तीसरे वाले को कितना टाइम लगेगा एट यहाँ पर क्या लिखा हुआ एट अपॉन फाइव राइट right? ये लिखा हुआ है कि एट किलोमीटर पर आर इलेवन अपऑन एट ये होगा इलेवन अपॉन एट अब हमें इतना पता है कि ये क्या है इलेवन बाई फोर यहाँ कितना आ गया मेरा अगर मैं देखूँ यहाँ टू आ गया उसको टू बाई वन लिख सकता हूँ ये कितना आ गया इलेवन बाई एट जब भी फ्रैक्शंस की बात आएगी ठीक है जब भी फ्रैक्शंस का बात आएगा तब क्या होगा ऊपर वाले का एल्शियम ऑफ न्यूमरेटर और नीचे वाले का एस सी एफ एस सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर ठीक है ना एस सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर अब ऊपर वाले का एल सी एम कितना होगा जाहिर सी बात है ट्वेंटी टू होगा इनका एस सी एफ क्योंकि वन है तो यहाँ वन आ गया तो आंसर कितना आ जाएगा ट्वेंटी टू आवर्स बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक है इलेवन है दोनों तीनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है स्टार्ट टुगेदर मतलब एक साथ शुरू करते हैं ट्रेवल द सेम वे अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 11 किलोमीटर मतलब सेम पॉइंट भी आप कह सकते हैं वहां होना चाहिए था सेम पॉइंट ठीक है हम्म 11 होगा सर्कुलर है सेम पॉइंट मतलब जैसे ये सर्कल है तो यहां से स्टार्ट करते हैं तीनों और तीनों चलते हैं तो तीनों को एक राउंड लेने में जितना टाइम लगेगा तीनों को अलग अलग उनका हमें क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम और जब एलसीएम आ रहा है तो आंसर कितना होगा 22 ठीक है बिल्कुल सही है 22 टू इज द आंसर फाइव पॉइंट फाइव का डबल होता है इलेवन ठीक है फाइव पॉइंट फाइव का डल गलत है ठीक है प्रभाकर पूछ रहे हैं एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक क्या है जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा ठीक है टू बाई वन तो लिख ही सकते ना यहाँ पे फाइव पॉइंट फाइव इंटू टू इलेवन होता है ठीक है चार का मल्टीपल ये नया नया इन्होंने बताया कि चार का मल्टीपल होना चाहिए ऐसा क्यों होना चाहिए आशीष जी क्यों चार का मल्टीपल होना चाहिए वहाँ कहीं लिखा हुआ कि चार का मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए ऐसा नहीं है यू नीड टू जस्ट फाइंड कि उनको एक राउंड करने में कितना टाइम लगेगा अगले वाले को एक राउंड करने में कितना टाइम लगेगा और थर्ड वाले को एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगेगा दैट्स इट ठीक है चलिए ये होता है जो बताया है, वही तरीका है बाकी अगर आपको कुछ और पता है तो जरूर बताइएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन नाउ लेट्स सॉल्व इट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन नाव ऑप्शन का कोई चक्कर नहीं है कोई ऑप्शन नहीं आएगा इसमें नाइन्थ में कैसे निकालोगे सारे टॉपिक डिस्कस करे जाएंगे आप लोग प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो फर्स्ट और सेकेंड दोनों वीडियो देखना डेफिनेटली यू गो नाउट रॉक इन दिस चैप्टर ठीक है सर्कल है सर्कल राउंड मारते रहेंगे हाँ जो ये कॉन्सेप्ट होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा और कहीं पे मिलना होगा तो उसके लिए रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे तो टाइम स्पीड और डिस्टेंस में मैंने ये करवाया हुआ है वहां पे देख लेना ठीक है नाइन्थ का मैं क्वेश्चन का हिंदी में बता देता हूं कि लीस्ट नंबर बताना है जो पाँच, छः, सात आठ से डिवाइड करें थ्री रिमाइंडर बचे ईच केस में बट जब नाइन से डिवाइड हो तो रिमाइंडर जीरो बचे अब ये बताइए कि क्या ये ऑप्शन चेक हो सकता है क्या चलिए मैं इसका एलसीएम निकालूंगा अभी आप लोग देखना हालांकि इसका तो बहुत आसानी से निकल जाएगा बट मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो आप उसे समझना ठीक है चलिए देखिए फाइव सिक्स सेवेन एट अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है ध्यान से देखना पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिस्कस करूँगा मैं अगर देखो बच्चों मुझे कोई एलसीएम पूछेगा ना तो मैं क्या करूँगा पहले फ़ाइव और सेवन मेरे लिए बहुत अच्छे नंबर हैं क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है सिक्स और एट अलग है तो मैं इनको देख लेता हूँ ज़रा सिक्स और एट का एलसीएम मेरे को पता है कि ट्वेंटी फोर ही होने वाला है क्योंकि बारह और चौबीस इसका मल्टीपल निकालूंगा तो मैं तो इनका तो चौबीस हो गया अब बचा क्या फाइव सेवन और ट्वेंटी फोर और बेस्ट बात क्या है कि इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मैं ट्वेंटी फोर को फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा वन ट्वेंटी और वन ट्वेंटी को सेवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा एट फोर्टी ठीक है ये मेरा एलसीएम आ जाएगा एट फोर्टी अब एक बात बताओ यार कि एट फोर्टी तो एलसीएम आ गया अगर नॉर्मल जिंदगी होती नॉर्मल क्वेश्चन पूछता जो एक न, लाइन और ऐड कर दिया न, ना डिवाइडेड बाई नाइन लिप्स रिमाइंडर जीरो अगर वो ना होता तो हम क्या बोल देते आंसर बोल देते एट फोर्टी प्लस थ्री क्योंकि रिमाइंडर थ्री आना चाहिए तो कितना हो जाता एट फोर्टी थ्री अच्छा ये तो नहीं है तो जरा इनको क्या ऐड करके देखो क्या ये कटता है नाइन नाए, से तो ऐड किया तो फिफ्टीन आया और हमें पता है कि ये नाइन से तो डिविजिबल नहीं होगा ठीक है तो ये तो आंसर नहीं है तो 843 तो है नहीं तो अगला स्टेप क्या होगा इसका डबल इसका डबल कितना होता है 1680 सिक्स प्लस थ्री तो कितना हो जाएगा 1683 अब क्या ये नाइन से कटता है तो ऐड किया यस कटता है तो 18 और ये आंसर है 18 बिल्कुल सही अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या था मतलब अगर तुम देखो ऑप्शन पे डिपेंड करता है अगर मैं कहूँ कि शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ जैसे कि बहुत सारे लोगों ने आंसर बता दिया देख के बता दिया आंसर क्योंकि नाइन से तो वही कटेगा जो एटीन होगा राइट अट्ठारह होगा या ट्वेंटी सेवन होगा या फिफ्टी फोर होगा ऑप्शन देखो ना ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एटीन नाइन से कटने का मतलब क्या है नाइन से कटने का मतलब क्या है नाइन से डिवाइड कर दो जो नाइन को ऐड करने पे कटे तो सिर्फ एटीन ऐसा नंबर है तो आंसर तो देख के बता सकते हैं एटीन बट हाँ दिमाग की दही हो जाती तब जब ऐसा लिखा होता एटीन ट्वेंटी सेवन फिफ्टी फोर थर्टी सिक्स तो दिक्कत हो जाती ट्वेंटी सेवन लिखा होता नाइन भी लिखा होता तो हमें प्रॉब्लम हो जाती बट ऑप्शन में क्या एटीन है तो बिल्कुल सिंपल है कि क्या कर दिया एटीन कर दिया अब बता रहे हैं कि कोई पूछ रहे सुनील पूछ रहे डबल क्यों लेंगे डबल इसलिए लेंगे क्योंकि ये तो कटता है मतलब इसका जो मल्टीपल होगा ना वो तो हमेशा इनसे कटेगा इनसे कटेगा इसका मल्टीपल तो मल्टीपल कटेगा तो मल्टीपल बढ़ाते जाओ जितना मर्जी बढ़ा लो अगर मान लो यहाँ पे नाइन से नहीं कट रहा होता तो फिर डबल कर देते फिर डबल कर देते फिर नहीं कट रहा होता मतलब फिर ट्रिपल कर देते फिर नहीं कट रहा हो इंटू फोर कर देते करते जाते जितना मर्जी करते जाते ठीक है बिल्कुल सही ठीक है बिल्कुल सही देखो ऑप्शन ऑप्शन ठीक है मैं जादू दिखाऊंगा मैं बोलूंग जादू जादू ठीक है लेकिन सच्चाई पता होना चाहिए ये तो हालत टाइट हो जाती है आजकल एग्जाम में अगर आपको ट्रुथ नहीं पता हो तो ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन देते आता है स्क्रीन पर और उसका आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ठीक है <coughs> हाँ अमित जी बता दें हिंदी में बता दें तो दो नंबर का एल सी एम फोर्टी फाइव है फोर्टी फाइव टाइम्स देर एस सी एफ ठीक है मतलब ये कहने का मतलब है कि एल सी एम इज इक्वल टू फोर्टी फाइव इंटू एस सी एफ ये दिया हुआ है पहली लाइन का मतलब दूसरी लाइन का मतलब दिया हुआ कि एक नंबर वन ट्वेंटी फाइव है और सम ऑफ एस सी एफ और एल सी एम डबल वन फाइव जीरो है मतलब एस सी एफ एलसीएम इनका सम भी दिया हुआ है डबल वन फाइव जीरो और फर्स्ट नंबर भी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 125. तो इन्होंने पूछा क्या है सेकेंड नंबर पूछा है ठीक है सेकेंड नंबर पूछा है बस आना आंसर आना शुरू हुआ है टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी आना शुरू हुआ है बच्चों ठीक है बढ़िया ठीक है स्किप कर दोगे इसको गूगल स्किप और भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे कितना स्किप करोगे यार कैसी बातें करते हो यार तो नॉर्मल तरीका है स्किप क्यों करेंगे अब देखो हमें क्या करना है एस सी एफ और एल सी एम का सम डबल वन फाइव जीरो है अच्छा एल सी एम फोर्टी फाइव टाइम एस सी एफ़ का है और सम दे रखा है मतलब आंसर यहीं से आ गया एक काम कर लेते हैं एस सी एफ़ को मान लो एक्स है चलो तो एस सी एफ एक्स मान लिया अगर तो एल सी एम कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव एक्स हो जाएगा ठीक है अब यहाँ प्लस कर दो फोर्टी फाइव एक्स प्लस एक्स इजक्ल टू डबल वन फाइव जीरो अब देखो यहीं से पूरी कहानी खत्म हो गई फोर्टी सिक्स एक्स टू डबल वन फाइव जीरो एक्स इजक्ल टू कितना डबल वन फाइव जीरो अपॉन फोर्टी सिक्स अब इसको देख के कोई भी बता सकता है कि ट्वेंटी थ्री से काट दिया ट्वेंटी थ्री टू जा ट्वेंटी थ्री फाइव जा तो कट गया तो एक्स कितना आ गया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव आ गया मतलब अब ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि एल्सीयम इंटू HCF सी एफ इज टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये आप ध्यान रखेंगे कि LCM और HCF मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है तो अब क्या करना है हमने कि LCM तो आ गया तुम्हारा 25 फाइव मल्टीप्लाई मत करने लगना HCF 25 आ गया और LCM कितना आ गया 45 फाइव इंटू और पहला नंबर इन्होंने दे रखा है वन तो दूसरा नंबर पूछा गया है तो हमें पता है कि 25 5 कितना होता है 125 5 से इसको कर दिया 9 हो गया और 25 9 कितना होता है 225 दैट्स योर आंसर यहाँ क्या आना चाहिए 225 ठीक है वैसे भी एक चीज पक्की हो गई थी कि अगर एचसीएफ 25 आ गया था तो इसका मतलब जो 25 से कटेगा वही तुम्हारा दूसरा नंबर होगा ठीक है ना जो 25 से कटेगा तो वही दूसरा नंबर होगा देखिए सुनील जी सुरेंद्र जी सब लोग एक चीज देखिए हा हेमेंद्रपाल हिंदी में क्वेश्चन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट टाइम से पूरी कोशिश करेंगे आज मैं आपको समझा देता हूं कि ये कैसे निकालना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लाया जाए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है कि लेट इन बी द ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर है ठीक है माइक थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं कि सबसे छोटा नंबर है जो 1305, 4665 पांच फोर सिक्स सिक्स फाइव और सिक्स नाइन जीरो फाइव को डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर देखे ठीक है सेम रिमाइंडर आए तो डिजिट्स का सम कितना होगा ठीक है डिजिट्स का सम कितना होगा ए भी तो कटेगा सर हाँ तो इसलिए तो पूरा कर दिया ना मैंने इसलिए पूरा कर दिया ठीक है ठीक है, बताइए एन बी द ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड करे और हर केस में सेम रिमाइंडर छोड़े ठीक है अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग इतना ध्यान देंगे कि ये एक टाइप से काफी इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन बन जाता है तो जब डिफरेंस लेते हैं ना इनका जो आंसर होगा वो एसीएफ ऑफ डिफरेंस का होगा मतलब सबका आपस में डिफरेंस फोर सिक्स सिक्स फाइव माइनस तेरह सौ पाँच ठीक है और अगला जो है सिक्स नाइन ज़ीरो फाइव माइनस फोर सिक्स सिक्स फाइव और अगला जो है वो होगा सिक्स नाइन ज़ीरो फाइव माइनस वन थ्री ज़ीरो फाइव इनका पहले डिफरेंस निकालेंगे जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हम यहाँ से देखते कि भाई जीरो हो गया सिक्स हो गया और ये हो गया तुम्हारा थ्री थ्री सिक्स ज़ीरो यहाँ डिफरेंस देखें तो ज़ीरो हो गया और चार हो गया और दिस इज़ टू टू फोर ज़ीरो राइट टू टू फोर ज़ीरो और यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो ये हो गया अपना ज़ीरो डेट इज जीरो फिफ्टी सिक्स हंड्रेड अब हमें इसका एस निकालना है ये बात समझना बढ़िया क्वेश्चन है कि हमें इसका एस निकालना पड़ेगा और हम क्या करेंगे एस निकालने के लिए हमें पता है कि मिनिमम डिफरेंस निकालना अब मिनिमम डिफरेंस हमें पता है कि भाई इन दोनों से तो मिलेगा नहीं दो छोटे नंबर लेंगे जो पास में होंगे ठीक है आंसर कोई ई बता रहा है कोई ए बता रहा है जो मिनिमम डिफरेंस लेंगे वो क्या लेंगे पास के नंबर्स को लेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा डबल वन टू जीरो जीरो दो यस डबल वन टू ज़ीरो मिनिमम डिफरेंस अच्छा मिनिमम डिफरेंस है तो एस की गारंटी नहीं है बट अगर आप देखोगे तो डबल वन टू जीरो को इससे डिवाइड करेंगे तो थ्री से कट जाएगा ये टू से कट जाएगा और ये इसका डबल ही है तो मतलब इससे भी कटेगा यानी जो मिनिमम डिफरेंस है वही एस है और एस कितना है डबल वन टू ज़ीरो यानी आंसर भी कितना होगा डबल वन टू ज़ीरो लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है डिजिट्स का सम दिया हुआ है और डिजिट्स का सम कितना होगा चार होगा और यही आपका आंसर है दैट इज एंड ऑप्शन ए इज द आंसर ठीक है ऑप्शन ए इज द आंसर ठीक है और इस क्वेश्चन का आपको कोई शॉर्टकट नहीं है यू कैन नेवर फाइंड अ शॉर्टकट फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई गारंटी इट राइट नाउ ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है आज का ये हमारा ठीक है <coughs> लास्ट क्वेश्चन है आज का ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हमें एस निकालना है थ्री एस दे रखा है थ्री टू फोर जीरो थ्री सिक्स डबल जीरो और थर्ड नंबर का थर्टी सिक्स एल दे रखा है इतना भाई अगर आपने <coughs> ये क्वेश्चन कर दिया किसी ने ठीक है ना तो ये मैं होमवर्क देता हूं और एक चीज आज नोट कर लेना आप अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हो तो एस सी एफ और एल सी एम का कोई सभी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा डेफिनेट बात बता रहा हूं मैं तो जरा एक बार ये क्वेश्चन दोबारा देखो ठीक है ठीक है डिफरेंस क्यों लेते अरुण सिंह जिन लोग की आज पहली वीडियो है एस सी एफ एल सी एम फर्स्ट पार्ट जरूर देखना उसके बाद ये देखना अगर दोनों वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली एस सी एफ एल सी एम खत्म है आप लोग के डिमांड पर ही लेकर मैं आया हूँ सेकेंड पार्ट ठीक है एक का दस आया ना गुंजन जी तो सबने दस 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 लगा दिया दैट इज कॉल्ड जो है uh, कि एक का दस आया ना लगा दस आ जाएगा ठीक है बट आप लोग देखे कि ट्वेल्थ क्वेश्चन आपको करना है जो इलेवेंथ क्वेश्चन था मिनिमम डिफरेंस देखोगे तो समझ आएगा दोनों पार्ट देखना है एस सी एफ एल का फर्स्ट वीडियो एक होगी कुछ दिन पहले की और आज की पार्ट बहुत फंडा आपका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा ट्वेल्थ क्वेश्चन इज़ द टफेस्ट वन आप इसका स्क्रीन शॉट लो इसको सॉल्व करो और गारंटी है मेरी अगर आप ये कर ले गए तो ऐसे फिर से मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों ठीक है वीडियो पसंद आई उसे तो लाइक करो शेयर करो और अगर कुछ पूछना है या कुछ और लेवल हाई चाहिए तो बताओ जितना हाई लेवल आपको जरूरत पड़ेगी हम जरूर लेकर आएंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टेक केयर गुड नाइट